तो आज आप जो है सुशासन नहीं बल्कि कुशासन कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, चंदा और धंधा कर रहे हैं, कुर्सियां पर आपने कहा था मोहल्ले में घूमेंगे, आपने कहा था हम जो है सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आपने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, तो आप तमाम चीजें लेके शीश महल में रह रहे हैं। आज जो है सरकार अपने जेब बचाने के लिए आपने राम को खड़ाव रख दिया, भारत सरकार चला रही है और जो है वो भी महिला है, आप में अगर पावर है, आपके पास अगर अधिकार है, तो अपने ही सरकार में चुनाव आ गया है 50-50, आधा जो है 35 लोगों को महिला को 35 पुरुष को, आप कम से कम आधा आधा तो दे दो। अहरा नेशनल पार्टी तो 70-70 महिलाओं को देने जा रहा है अधिकार, आप अगर दे सकते हो तो दे के दिखाओ। महिलाओं के तरफ एक तरफ बस में घुमा दिया और उनके वर्द को उनके पति को शराब पिला दिया ताकि शराब पी करके मस्त रहे घर में, और जब महिला घर में आए तो उनको डंडे पड़े, तो आपने कलह पैदा कर दिया, आपने विभेद पैदा कर दिया, आपने फ्री जो है जनता का टैक्स का पैसा, आपने क्या अपनी सैलरी छोड़ा, आपने सैलरी 4 गुना बढ़ा लिया, अपनी सारी पेंशन बढ़ा लिया, आप सुख सुविधा बढ़ा लिया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। बिजली के नाम पे आपने मीटर और जो है अलग तरह तरह के तरीके से आपने जो है लूट मचा रखा है, पूरी दिल्ली को अब कंगाल बना रखा है, सारे व्यापारी परेशान है, सारे समुदाय और यूथ परेशान है, रेहड़ी पटरी वाले भी किसी तरह से अपनी जो जीविका अर्जन कर रहे हैं, आपको जो है ऑटो वाले ने, आपको जो है गरीबों ने आपको सहारा दिया, मुसलमान कम्युनिटी ने आपको पूरा प्यार दिया, लेकिन यहाँ तो आप रामायण रचे हैं, आप तो आरएसएस का एजेंट बन गए हैं, आप तो आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं और आप नफरत की बाजार कर करके हनुमान जी हमारा बेड़ा पार लगाएंगे, तो बाकी समुदाय को आप गाली नहीं दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, ये अब जनता बताएगी आने वाले। आपने जितना आरोप लगाया कि बसें टूटी पड़ी है, गंदी पानी आ रही है, यमुना नदी साफ नहीं, तो क्या आपके पास या एनपी पार्टी के पास इसका कोई तोड़ है? बिल्कुल तोड़ है, हम लोग एक पूरा प्रोजेक्शन के साथ प्रोजेक्ट के साथ, सबसे पहला ये है कि जो दिल्ली को लूटा है उन तमाम लोगों पे जो है आय से अधिक का छापा पड़ेगा, हमारे क्या कानून है, उन पैसों को निकाल के ब्लैक मनी निकाल करके जनता में बांटी जाएगी, जमुना का सौंदर्यीकरण होगा, टेम्स नदी की तरह बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का फंड होता है, जो विज्ञापन में 625 करोड़ रुपया हर साल दिल्ली के अंदर खर्च होता है उसको रोका जाएगा, अन जो है बहुत सारे फजूल खर्ची है उनको 75% रोका जाएगा और उससे जमुना का विकास किया जाएगा, उसमें बहुत सारे बाहर से भी वर्ल्ड बैंक से, यूनाइटेड नेशन फंड से और जगहों से फंड आ सकता है, बहुत सारे व्यापारी उसमें उसकी भूमिका होगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और बड़े बड़े मॉल सोल बनेंगे जिससे आय का सोर्स बनेगा, इसके अंदर जगह बोट घूमेंगे, इसके अंदर जो है एक मोहरम जगह बनेगा, तो आय बहुत इतना आय आ जाएगा कि दिल्ली के साथ साथ केंद्र सरकार को भी पैसा मिलेगा और बाकी दिल्ली को जो है लुटियन जोन की तरह अगर डेवलप किया जाता है, उसका जो है होटल मोटल शोटल बनाया जाता है, तो सारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिलेगा। ऐसे ही एक नहीं हमारे पास 10 एजेंडा है जिसको लेकर करके हम बहुत ही संवैधानिक तरीके से, बहुत ही लीगलाइज तरीके से दिल्ली के अंदर उसको इंप्लीमेंट करेंगे और आने वाले वक्त में आपके जर्नलिस्ट महोदय आपके हाथ में भी हमारा एजेंडा का पर्चा मिलेगा और जनता के हर घर और दरवाजे पे पहुंचे। यमुना नदी का जिक्र हुआ है तो एक छोटा सा सवाल बनता है, मस 10 दिनों बाद ही छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने घोषणा किया कि इस बार छठ पूजा यहाँ नहीं मनाना क्योंकि यमुना नदी बहुत गंदा है। जर्नलिस्ट महोदय, पूर्वांचलियों को दिल्ली सरकार ने खूब ठगा, इनका नाम पे 25-25 करोड़ रुपया जो है छठ के नाम पे, घाट को नाम पे, बोट चलाने के नाम पे खूब लूटा। आज यही केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं जमुना को साफ करूंगा, रोज उसमें स्नान कर करके हम पूजा पाठ करेंगे, वो केजरीवाल जी कहाँ गए जब उसके अंदर जो है फाग और झाग है, अमोनिया है, गंदा पड़ा है, आज उसके बगल में जो सब्जी बाजी हो रहे हैं, जो हमारे जो है पशु पक्षी घूम रहे हैं, जो हमारे पक्षियां घूमती हैं, उन दिल्ली के अंदर गंदगी फैल रही है, दिल्ली के अंदर बीमारियां फैल रही है, कहां गए दिल्ली सरकार जिसने कहा था कि हम मुश्किल से 10 किलोमीटर का रेंज जो जो है हमारा जमुना
को साफ करना चाहिए था, उसको गंदगी पड़ी हुई है और जब बरसात आती है तो पानी उबाल कर करके लाल किला और चांदनी चौक में घुस जाता है और इनको जो है हंसते हैं कि जो है देखो पानी तो है भगवान जी खुद ही साफ कर दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ लूट रहे हैं। जमुना के किनारे ही दिल्ली सचिवालय है, दिल्ली सचिवालय तक पानी आ जाती है और ये जो है खामोश बैठे हैं, इनको सफाई नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बुरी हालत कर रखा है। आप कहते हैं कि ये सरकार अच्छी काम करिए, फिर इनसे पूछा जाता तो कहते हैं हमें तो जेल भेज दिया गया। अरे जेल भेजा तो जेल के अंदर से आपने जो है इस्तीफा कहाँ दिया, आप तो सरकार चलाते रहे। आज जब आप बाहर हैं तो आपको जो है खड़ाव रख दिया गया है, आप तो आपके पास भरत भी है, लक्ष्मण भी है, राम भी है, शत्रुघ्न भी है, पूरा रामायण है, तो राम राज बनाइए ना, तो भारत को छोड़िए, दिल्ली में राम राज आ गया क्या? ये कलयुग में राम राज लाना चाह रहे थे तो राम राज नहीं लाया, बल्कि कलयुग को भी कलंकित कर दिया है और ये तमाम जगह लूट और खसोट कर करके फिर कह रहे हैं कि राज दरबार लगाएंगे। अरे जब आपकी सरकार थी, जब राज दरबार लगाने की बात आ गई थी, जब जनता आपसे सवाल कर रहा था, तो आपने जो है बाउंड्री पार करके दीवार फांद करके भाग गए थे और आज कहते हैं राज दरबार लगाएंगे। किस मुंह से लगाएंगे, क्या सवाल करेंगे, अपने ही चंद बदमाशों और अपने ही चंद कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कहेंगे कि मैंने जनता से बात कर लिया, जनता ने ये कहा, जनता ने वो कहा, जैसे पहले झूठ बोला अब भी झूठ बोलने के लिए आप तैयार बैठे हैं, तो ये झूठ की सरकार है और ये झूठ की सरकार की जो है काट की हारी बार बार नहीं चाहती, अब बहुत हो चुका, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से फुर होने वाली। एक सवाल बनता है कि 70 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ रही है, तो मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा, क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनिएगा? जर्नलिस्ट महोदय, जब 70 महिलाएं खड़ी होंगी और जब उसमें से 36 महिलाएं विधायक बनेंगी, तो उसमें से अपना एक लीडर चुनेंगी और उसमें से जो लीडर जो बेहतर होगा उन महिला में से ही एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी, उसी में से एक डिप्टी मुख्यमंत्री दो बन सकती हैं, बाकी मंत्रालय सभी महिलाओं की मंत्रालय होगी। महिला लड़ रही है, महिला की होगी, जो हम पुरुष लोग हैं या मैं नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मैं सहयोग और सपोर्ट कर रहा हूं, उनको आगे ले जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली के अंदर महिलाएं लड़ रही हैं, महिलाएं की सरकार होगी, महिला की कैबिनेट होगी, महिला जिस तरह से घर चलाती है उस तरह से अपने राज्य को अपने दिल्ली को चलाएंगी। महिला ही एक ऐसी है जो कहीं भाग नहीं सकती, चोरी नहीं करती, सच्चाई के साथ काम करती है, एक रुपया अगर उनको बजट दे दो तो उसमें से 60 पैसा खर्च के 40 पैसा बचा लेती है, यानी दिल्ली धन धान होगा, दिल्ली खुशहाल होगा, लूट खसोट का माहौल नहीं बनेगा और जो बाकी नेता भाग जाते हैं दल बदलू करते हैं, कम से कम महिलाएं इसमें जो है जहां रहती हैं वहीं टिकी रहती हैं, जब उसकी शादी हो जाती है उनके साथ जुर्म होता है, उनके साथ बहुत सारे शोषण उत्पीड़न होता है, लेकिन घर नहीं छोड़ती, मर्द भाग जाता है, औरत नहीं भागती, तो मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली का भविष्य और दिल्ली का सुंदर और विकास सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर सकती।